नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और आप मुझे इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में देख रहे हैं। हम लोग अनअकैडमी के ऑथराइज्ड यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में हैं और हम लोग यहाँ पर अपनी करंट अफेयर सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बैक से चल रहे हैं। अक्टूबर खत्म हो चुका है हमारा, सितंबर खत्म हो चुका है, अगस्त खत्म हो चुका है, जुलाई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हम लोग। और वन लाइनर करंट अफेयर है, डेट वाइज करंट अफेयर है, इसको आप पास्ट एंड फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। तो मैं दीपक शुक्ला इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में आप सभी स्वागत करता हूं। मैं अनअकैडमी के ऑथराइज्ड यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में है। ये मेरे प्लस कोर्स फिजिक्स क्लास यूट्यूब के बारे में जानकारी, मेरा कोड SPDS10, ये लिखा हुआ है SPDS10, आप मेरे कोड का सदुपयोग करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही अनअकैडमी पैकेजेस लिखे हुए हैं, 1 महीने 1400 रुपये, 3 महीने 3500 रुपये, 6 महीने 5600, 12 महीने 7000 और 24 महीने 8400 रुपये। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो यही आपके कट करके 1260, 3150, 5400, 6300, 7700, 7760 हो जाएंगे, मतलब काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं SPDS10। देर नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। मेरी प्लस क्लास के बारे में जानकारी कुछ ले लीजिए। मेरी प्लस क्लास रोज़ सुबह 11:30 बजे है, स्पेशल क्लास रोज रात में 9 बजे डेली चलती है, ये कभी मिस नहीं होती। और इसके साथ ही हम लोग मेरा YouTube पे जो क्लास है वो डेली दोपहर 2 बजे है, टाइम फिक्स्ड है। डेली दोपहर 2 बजे हम डेली करंट अफेयर क्विज करते हैं और जी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल भी होता है, कंप्लीट करंट अफेयर क्विज होता है। मेरा कोड है SPDS10, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज़ करिए SPDS10, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप UPSC का लेना चाहते हो, चाहे UPPCS लेना चाहते हो, MPPCS, राजस्थान PCS, या फिर SSC, बैंक, IIT, नीट, रेलवे, मतलब आप कोई भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। आप आपके भाई बहन, आपके दोस्त यार, आप मेरा कोड यूज़ करिए, परेशान मत होइए, मेरा कोड हर जगह अप्लीकेबल होता है, निश्चित रहिए, और हर जगह 10% डिस्काउंट वो अवेलेबल कराता है मेरा कोड SPDS10। मेरा कोड है, आप उपयोग करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे लोगों आपको पूरे पेजेस में लगे मिलेंगे कि आप, ताकि आप मेरा कोड भूले नहीं। फिलहाल चर्चा करते हैं 1 जुलाई करंट अफेयर की, और मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज विजिबल, सभी कुछ विजिबल होगा यहाँ पर। 1 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, यानी CA डे मनाया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई 2020 को मनाया गया था। 1 जुलाई 2020 को किसे संयुक्त राष्ट्र ने भारत का अगला राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? इंद्रमणि पांडे को भारत का अगला राजदूत व स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया संयुक्त राष्ट्र में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी 75वीं वर्षगांठ भी मनाई है, याद रखिएगा। इसको देखते हुए भारत के भारतीय डाक विभाग ने 75 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया है। तो आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल के लिए तुषार मेहता का नाम आगे कर दिया है। वापस जे एज अ सॉलिसिटर जनरल काम करेंगे तुषार मेहता जी। 1 जुलाई 2020 को किसे प्रथम PC महानोबिस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो RBI के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन जी को महाल नोबिस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। और 1 जुलाई 2020 को की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनेगा। 1 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है? लेसन द मोर्टलिटी ऑफ COVID-19 के साथ राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार में चालू हुआ है, गो कोरोना के बाद किल कोरोना की महान उपलब्धि मध्य प्रदेश सरकार को मिली है। फिलहाल जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब मध्य प्रदेश में फिर से BJP सरकार आ चुकी है और कल शायद 19 सीटें उसने जीत ली हैं। संजय द्विवेदी, भारतीय जनसंचार संस्थान का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय द्विवेदी को जनसंचार संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रविंद्र जडेजा बहुमूल्य खिलाड़ी साबित हुए हैं, 21 सदी में भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो रविंद्र जडेजा घोषित किया गया, याद रखेंगे, रविंद्र जडेजा को भारत का बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया गया है। 2 जुलाई 2020 को पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? निगाह जौहर, मतलब भारत कॉपी करना पाकिस्तान ने चालू कर दिया है, महिलाओं को भी उचित स्थान मिलने लगा है अब पाकिस्तानी आर्मी में, शानदार। आप सभी की तैयारी भी उन्नत पे चल रही है, मुझे लग रहा है आप सभी अच्छा तरह पढ़ रहे होंगे। कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आपको अगर मेरा सब्सक्रिप्शन चाहिए अनअकैडमी का, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तब भी आप मेरा कोड यूज़ करिए और मुझे मैसेज बॉक्स में पिंग कर सकते हैं, सर हम आपको कोड लेना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, तब भी मुझसे बात हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
2 जुलाई 2020 को किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो फिलहाल ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक ने ई किसान धन लॉन्च किया है। 2 जुलाई 2020 को शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आईसीसी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं इमरान ख्वाजा जी। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। 2 जुलाई 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई 2020 को विश्व स्तर पर मनाया गया है, पहली बार ऐसा हुआ था। 3 जुलाई 2020 को किस नृत्य निर्देशक का निधन हो गया? सरोज खान जी का निधन हो गया। देखा होगा आप सभी ने, कई बार बड़ी फेमस नृत्यांगना थी, नृत्य निर्देशक थी। आगे बढ़ते हैं। 3 जुलाई 2020 को कोविड-19 महामारी रोकने के लिए किए गए प्रयासों के लिए किसे 2022 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया? सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चिट्टी जी को ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है। 3 जुलाई 2020 को विश्व बैंक में एमएसएमई के लिए कितने डॉलर इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? 750 मिलियन डॉलर। 3 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने समूचे नागालैंड को अगले कितने माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? समूचे नागालैंड को 6 माह के लिए वापस से एक अशांत से क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। 3 जुलाई 2020 को जर्मनी पीएसडी बैंक नोड ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? सुमित नागल ने जीता है। 4 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति चुनावों में जीत दर्ज करने वाले व्लादिमीर पुतिन अब कब तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे? 2036 तक रहेंगे। 4 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आईबीसी द्वारा कौन सा दिवस मनाया गया है? धर्मचक्र दिवस। इंपॉर्टेंट है, धर्मचक्र दिवस मनाया गया था। 4 जुलाई 2020 को संयुक्त राष्ट्र किस मुहिम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है? कॉप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 4 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? सुखबीर सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। 5 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। 5 जुलाई 2020 को द डायना अवार्ड 2020 किसने जीता है? भारत की प्रिया ठकराल ने द डायना अवार्ड 2020 जीता हुआ है। 5 जुलाई 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम होगा एलिमेंट्स। ये भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप होगा। फिलहाल मैंने इसको अपने मोबाइल पे इंस्टॉल भी किया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। 5 जुलाई 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा 10,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? दिल्ली के छतरपुर में 10,000 बेड वाला कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है। 5 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिख फॉर जस्टिस से कितनी वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? तो 40 वेबसाइटों को ब्लॉक किया है। 5 जुलाई 2020 को वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में शीर्ष 3 में आने वाले पहले भारतीय बने लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पुन्नू। इंपॉर्टेंट है। 6 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू करी है? तो बलराम योजना उड़ीसा सरकार द्वारा चालू की गई है। 6 जुलाई 2020 को भारत ने कॉमन सर्विस सेंटर CSS की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? तो जोया खान, गुजरात के बड़ोदरा जिले से जुड़ी हुई है और ये वहाँ की ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी हुई है। 6 जुलाई 2020 को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? जीन कैस्टॉक्स को। 6 जुलाई 2020 को जारी स्टेन डेवलपमेंट गोल्स SDG कार्यक्रम में भारत किस स्थान पर रहा है? 117वां स्थान, 117। 7 जुलाई 2020 को किस देश ने जासूसी उपग्रह OFE के सफल प्रक्षेपण किया है? तो OFAC-16 का सफल प्रक्षेपण इसराइल ने किया है, याद रखिएगा। 7 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व चॉकलेट दिवस। चॉकलेट सभी की फेवरेट है, खाते रहिए, कोशिश करिएगा ब्लैक चॉकलेट खाएं, अच्छी होती है, वाइट चॉकलेट फैट नहीं देती है। 7 जुलाई 2020 को हर घर गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है, हर घर गैस कनेक्शन पहुंचा दिया हिमाचल प्रदेश में।
7 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया हुआ है। चला जाकर 7 जुलाई 2020 को भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? जी आकाश जी को भारत का 66वां ग्रैंड मास्टर चुना गया है। 7 जुलाई 2020 को पेटीएम ने सामान्य बीमा कंपनी रहेजा क्यूबीई को कितने करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है? तो 568 करोड़ रुपए में। महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पे, दो चीजें बन रही है। पेटीएम ने किसका अधिग्रहण किया है? रहेजा क्यूबीई का अधिग्रहण किया है। और दूसरी कितने में किया, ये किया, मतलब ये दोनों रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश इंतजार आपका अभियान टूरिज्म के लिए, है ना। तो मतलब कोशिश ये करनी है कि मतलब हर लाइन याद रहे पूरी, तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आने वाला है। 8 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए निक्कर सम्मान, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए निक्कर सम्मान योजना शुरू करी है? कर्नाटक सरकार ने निक्कर अभियान शुरू किया हुआ है। महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। 8 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महारोजगार पोर्टल शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने महारोजगार पोर्टल शुरू किया हुआ है। 8 जुलाई 2020 को किस बैंक ने लोन का इंटरेस्ट अप्रूवल देने के लिए लोन इन सेकंड सेवा शुरू करी है? तो यस बैंक है, यस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा शुरू करी है। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। लोन इन सेकंड सेवा से शुरू, समझ में आया, मेरा अभी तक रिकॉर्डिंग गई नहीं है और मेरे पास ये मैसेज आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, सेकेंड थिंग, 8 जुलाई 2020 को विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? 34वां स्थान हासिल हुआ है और 2018 में 35वां था। 8 जुलाई 2020 को पश्चिम बंगाल सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? सेल्फ स्कैन। 8 जुलाई 2020 को यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया सीईओ जयंत कृष्णा को नियुक्त किया गया है। 9 जुलाई 2020 को किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा करी है? अमरीका ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी थी। यही सब चीजें भारी पड़ गई किनको, किसको भारी पड़ी? ट्रंप को। 9 जुलाई 2020 को किस देश की सरकार ने पशु बलि हेतु पशुओं की ऑनलाइन बिक्री खरीद हेतु प्लेटफॉर्म डिजिटल हॉट लॉन्च किया हुआ है? तो डिजिटल हॉट लॉन्च किया वो किसने? बांग्लादेश सरकार ने। 9 जुलाई 2020 को गूगल ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क गूगल प्लस का रीलॉन्च किया, उसका नाम लिखा है गूगल करेंट्स। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है गूगल करेंट्स, ठीक है। 9 जुलाई 2020 को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा किसे दिया गया है? हिमालयी तितली गोल्डन बर्ड विंग को, हिमालयी तितली गोल्डन बर्ड विंग को दिया गया है। 10 जुलाई 2020 को हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है। 10 जुलाई 2020 को हास्य अभिनेता का निधन हो गया, उनका नाम बताना है। तो हास्य अभिनेता जगदीप का निधन हो गया है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन दिवस 10 जुलाई 2020 को मनाया गया था। 10 जुलाई 2020 को इंग्लैंड के किस पूर्व फुटबॉलर का निधन हो गया? जैक चॉल्टेन का निधन हुआ है। 10 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने चीनी सामान का इस्तेमाल ना होने की घोषणा करी है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने कोई भी चीनी सामान वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा, इसकी घोषणा की हुई है। 1 सेकंड रुकेगा, पानी पी लूं।
अच्छा 11 जुलाई 2020 को किस थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था? तो याद रखेंगे, पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, हाउ टू सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। इंपॉर्टेंट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता था? 11 जुलाई को, उसकी थीम भी नीचे लिखी हुई है। 11 जुलाई 2020 को किस पुलिस थाने को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया? हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस थाना को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्टेशन घोषित किया गया है। 11 जुलाई 2020 को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियमित किया गया? तो ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नामित किया गया है। इसी के साथ में 11 जुलाई 2020 को भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है? तो ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट है, 13 जुलाई 2020 को अमेरिका के शीर्ष कृषि अनुसंधान संगठन का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय मूल के पराग चिटनिस को। इंपॉर्टेंट, 13 जुलाई 2020 को स्टायरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन। इंपॉर्टेंट, 13 जुलाई 2020 को किस राज्य ने भारत में पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत करी है? छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, मेरा कोड SPDST है ना, अगर आप अपने अकेडमी से जुड़ना चाहते हैं, अकेडमी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मेरा कोड लिखा हुआ है ये SPDST है। आप मेरा कोड SPDS10 जहाँ पर भी आपको शायद दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा SPDS10, आप मेरा ये कोड SPDS10 उपयोग कर सकते हैं और आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा इन अकेडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर। आगे बढ़ते हैं, 13 जुलाई 2020 को कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला देश का पहला देश रूस बन चुका था। 14 जुलाई 2020 को पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में आंद्रेज डुडा को चुना गया था। 14 जुलाई 2020 को वॉन कर्मर पुरस्कार 2020 के लिए इसरो प्रमुख के सिवन को चुना गया। 14 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने रोको टोको कार्यक्रम की शुरुआत करी? तो मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको कार्यक्रम की शुरुआत करी थी। 14 जुलाई 2020 को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ देखा गया? तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का एकमात्र सुनहरा बाघ देखा गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना, ये वाला जो है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान वाला है ना, ये मत भूलना, 14 जुलाई वाला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया था, हाईलाइट कर दिया मैंने इसलिए, सुनहरा बाघ देखा गया था, बाघ। 14 जुलाई 2020 को किस राज्य के एथलीट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को किया गया है। 14 जुलाई 2020 को ईरान ने किस देश के चाबहार रेल परियोजना से अलग करने की घोषणा करी है? भारत। अगर आप नोटिस करेंगे, डेट वाइज करंट अफेयर है, प्रतिदिन क्या हुआ है मैंने ये तक मेंशन कर रखा है, और डेट वाइज करंट अफेयर कभी भी फेल नहीं होता, पेपर में सबसे सॉलिड यही मिलता है, कोशिश करिए निपटा लीजिएगा इसको। 14 जुलाई 2020 को ईरान ने किस देश से चाबहार रेल परियोजना से अलग होने की घोषणा करी? तो भारत के साथ में अलग होने की घोषणा करी है। इंपॉर्टेंट है, 15 जुलाई 2020 को तुर्कमेनिस्तान ने भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो विधु नायर को नियुक्त किया है। 15 जुलाई 2020 को किसने अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया है? तो नाबार्ड ने अपना 39वां स्थापना दिवस चिन्हित किया है और डिजिटल चौपाल का आयोजन भी किया था। क्वेश्चन आया, किसने अपने स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? किसने अपनी स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? तो बता देना, नाबार्ड ने अपने स्थापना दिवस पर 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का उद्घाटन किया हुआ था। ठीक है, 15 जुलाई 2020 को एशिया विकास बैंक ADB का नया उपाध्यक्ष अशोक लवासा को चुना गया। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत याद रखना। ठीक है, मेरा कोड SPDS है, अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मेरा कोड यूज करिए SPDS10। 15 जुलाई 2020 को किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 सम्मानित किया गया? सचिन अवस्थी जी को सम्मानित किया गया है। 15 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है? स्किल फॉर रेजिलेंट यूथ। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, स्किल फॉर रेजिलेंट यूथ के साथ विश्व कौशल दिवस मनाया गया है। 15 जुलाई 2020 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतरिम CEO किसे नियुक्त किया गया? तो हिमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 16 जुलाई 2020 को अफगानिस्तान ने भारत का अगला राजदूत रुद्रेंद्र टंडन को नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, 16 जुलाई 2020 को मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गुरुबख्श सिंह हौसी और प्लास नंदी क्रिकेटर हैं, इनको सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा।
बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। 16 जुलाई 2020 को स्पोर्ट्स अड्डा नाम का नया ब्रांड अम्बेसर किसे नियुक्त किया गया है, तो ब्रेटली को नियुक्त किया गया है स्पोर्ट्स अड्डा नाम से, याद रखेंगे ब्रांड अम्बेसर नियुक्त किया गया है। 16 जुलाई 2020 को महाराष्ट्र की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त का निधन हो गया है, महिला है पहला नहीं है, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त का निधन हो गया है, नील सत्यनारायण नाम है, टाइपिंग एरर होती कई बार है ना। 16 जुलाई 2020 को कोविड-19 के भारत की पहली संपर्क रहित पार्किंग किस एयरपोर्ट में शुरू की गई है, तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शुरू करी गई है। 16 जुलाई 2020 को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो वेद प्रकाश दुदेजा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। 17 जुलाई 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है, विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई 2020 को विश्व सर्प दिवस के रूप में मनाया गया है। 17 जुलाई 2020 को सूरीनामा का नया राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी को सूरीनामा का नया राष्ट्रपति चुना गया है। महत्वपूर्ण है, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड यूज करिए SPDS10, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। 17 जुलाई 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं, मार्क्स रैशफोर्ड सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। 17 जुलाई 2020 को गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है, तो 73% की हिस्सेदारी खरीदी है गूगल ने जियो प्लेटफॉर्मों की, समझ रहे हैं आप, 73% बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई 2020 को किस गणतज्ञ का निधन हुआ है, सीए शेषाद्री का निधन हुआ है। 18 जुलाई 2020 को राज्य वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया, तीसरा स्थान हासिल किया है, मध्य अफ्रीका देश गैबॉन की पहला महिला प्रधानमंत्री ओशिका रेपोंडा बनी है, याद रखेंगे पहला महिला प्रधानमंत्री है, इसलिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न है ना, गैबॉन की पहला महिला प्रधानमंत्री, इसलिए महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। 18 जुलाई 2020 को स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप लॉ लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है, रियल मैड्रिड ने जीता है, याद रखेंगे उपजेता बार्सिलोना थे। 18 जुलाई 2020 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था, प्रियंका चोपड़ा। 18 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया 18 जुलाई 2020 को। 19 जुलाई 2020 को कहां स्मृति वन का उद्घाटन किया है, तो स्थल गांव देहरादून में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। 19 जुलाई 2020 को आईटी कंपनी SCL टेक के चेयरपर्सन कौन बनी है, तो रोशनी नाडार, ये उनकी बेटी थी जिसको आईटीएल टेक की चेयरपर्सन बनाया गया, रोशनी नाडार को, मैं क्लास में बता चुका हूँ, हर चीज बता चुका हूँ। स्मृति वन याद रखना, स्मृति वन का उद्घाटन स्थल गांव देहरादून में किया गया, स्मृति वन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। 19 जुलाई 2020 को भारत की किस धाविका ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ जमैका रेस में दौड़कर कोविड-19 के बीच प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय ट्रैक एवं फील्ड एथलीट बनी है, तो श्रवणी नंदी, इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे। 20 जुलाई 2020 को चेस फॉर रिकवरिंग बेटर विषय के साथ दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया गया है। 20 जुलाई 2020 को किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया हुआ है। 20 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुभारंभ की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुभारंभ की हुई है। 20 जुलाई 2020 को नौसेना पासेक्स युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हो रहा है, तो पासेक्स हमेशा जब भी होता है तो भारत अमेरिका के बीच में होता है, याद रखिएगा, इतना महत्वपूर्ण है। 21 जुलाई 2020 को करूर वैश्या बैंक के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया, तो रमेश बाबू बोर्डू को। 21 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने घर घर रोशन योजना शुरू किया है, दिल्ली सरकार ने घर घर रोशन योजना शुरू किया है। 21 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने की पहल शुरू करी है, उसका नाम है मनोदर्पण, इंपॉर्टेंट है मनोदर्पण, याद रखोगे ना। 21 जुलाई 2020 को भारत का पहला सार्वजनिक EV चार्जिंग प्लाजा शुरू किया गया है, यानी इलेक्ट्रिकल बाइसाइकिल चार्जिंग प्लाजा नई दिल्ली में शुरू किया गया है, फिलहाल देखते हैं कितना सक्सेस होता है। 21 जुलाई 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नया सचिव पंडित पी प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है, रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है, पी प्रवीण सिद्धार्था को।
21 जुलाई 2020 को SBI कार्ड एवं पेमेंट सर्विसेज का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नए MD और CEO के रूप में अश्विनी कुमार को नियुक्त किया गया है। 21 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? लालजी टंडन का निधन हो गया है, इंपॉर्टेंट है। 21 जुलाई 2020 को माइकल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 से किसे प्रदान किया गया है? तारा जून विंच को पुस्तक द यील्ड के लिए माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार 2020 दिया गया है। 22 जुलाई 2020 को DRDO ने सेना को LAC पर निगरानी हेतु किस नाम से ड्रोन उपलब्ध कराया है? भारत नाम से एक ड्रोन उपलब्ध कराया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 22 जुलाई 2020 को स्वदेशी विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, उसका नाम है ध्रुवास्त्र, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ध्रुवास्त्र का परीक्षण हुआ है हाल ही में। कुलमीत बाबा चर्चाओं में थे। इंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी सैप का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। सैप, मैं सैप में काम कर चुका हूँ, ABAP मॉड्यूल पर था, जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी है और भारत में इसका इन्वेस्टमेंट अभी जीरो है। 23 जुलाई 2020 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 23 जुलाई 2020 को किस अभिनेता ने श्रमिकों की मदद हेतु प्रवासी रोजगार ऐप शुरू किया है? तो सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप चालू किया है। 23 जुलाई 2020 को SBI जनरल इंश्योरेंस का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो PC कांडपाल को नियुक्त किया गया है। PC कांडपाल को एक नया MD और CEO नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 23 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम का एक पहल की शुरुआत करी है? तो उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम की पहल की शुरुआत भी की है। 23 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों को मासिक पेंशन यानी मंथली पेंशन देने वाली समाज कल्याण योजना मधुबाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया है? तो वो ओडिशा सरकार, इज राइट ऑप्शन, याद रखेंगे। 24 जुलाई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो निकारा गुआ, इंपॉर्टेंट है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? हेड ऑफिस भारत के गुरुग्राम में है, याद रखेंगे। भारत इसका अध्यक्ष है और फ्रांस इसका उपाध्यक्ष है, महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। 24 जुलाई 2020 को केरल का महाप्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो मंजरी में। 24 जुलाई 2020 को किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत करी है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत करी हुई है, इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। 24 जुलाई 2020 को माइक्रोसॉफ्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क MFIN का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आलोक मिश्रा को नियुक्त किया गया है। और 25 जुलाई 2020 को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। 25 जुलाई 2020 को किस देश ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अपना पहला यान Tianwen-1 को प्रक्षेपित किया है? तो चीन बाबू ने किया है, याद रखना, पड़ोसी ये खतरनाक है ना, आंखें दिखाता रहता है, ड्रैगन है, पता नहीं है कि हम UPI ही निकल जाएंगे तो काम तमाम कर लेंगे। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 2020 को कारगिल विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 26 जुलाई 2020 को किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह ANASISII-2 लॉन्च किया है? तो दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है, याद रखेंगे। 26 जुलाई 2020 को किसे गुलबेनियन पुरस्कार सम्मानित किया गया? ग्रेटा थुनबर्ग को गुलबेनियन पुरस्कार सम्मानित किया गया, महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई 2020 को किस श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा कर दी है? श्रीपाली विराक्काकोडी, इंपॉर्टेंट। 27 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस नर्स को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? कला नारायण शामी को सिंगापुर में सम्मानित किया गया है, ये भारतीय मूल की नर्स है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लाल से कर दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रटे रहना, है ना, हरा भी लगा दे, इस पर लगा दो हरा भी, कला नारायण शामी, अब अच्छा लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रटे रहना भाई, ये भूले तो कांड हो जाएगा। आगे आओ, 27 जुलाई 2020 को की गई घोषणा के अनुसार किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी मिली है? तो हरियाणा को मिली हुई है, याद रखिएगा। 27 जुलाई 2020 को भारत ने बांग्लादेश के साथ आंतरिक व अंतरदेशीय आवागमन को सुलभ बनाने हेतु
कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? 10। 10 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे किसको? बांग्लादेश को सौंपे हुए हैं। 27 जुलाई 2020 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 82वां स्थापना दिवस मनाया। 27 जुलाई 2020 को किस संस्थान ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु वैली बैंड नामक डिवाइस विकसित किया है? तो IIM कोझिकोड ने, मतलब एक कोझिकोड वही है जहाँ पर हाल ही में विमान दुर्घटना भी हुई थी। 27 जुलाई 2020 को किस मशहूर एक्शन डायरेक्टर का निधन हो गया? तो परवेज खान का निधन हो गया, याद रखेंगे। 28 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया है। मेरा कोड देख रहे होंगे आप सभी, मेरा कोड है SPDS10। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SPDS10। आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर, चाहे वो आप IIT मेडिकल, UPSC, UPPCS, MPPCS, राजस्थान PCS किसी के लिए भी लेना चाहते हो, नेवी, एयरफोर्स, CDS, NDA, SSC, रेलवे, सब में ये डिस्काउंट आपको अवेलेबल होगा। अभी क्लास खत्म नहीं है, अभी क्लास अभी और है, अभी खत्म नहीं है, इतना ईजी नहीं है, अभी अभी क्लास और है, बस एक मिनट रुकेगा। ठीक है, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। 28 जुलाई 2020 को किस राज्य सरकार ने राज्य में नौकरी ढूंढने वाले, नौकरी देने वाले को एक मंच पर लाने के लिए रोजगार बाजार नाम का वेब पोर्टल शुरू किया है? दिल्ली की सरकार ने किया ये काम, और यहाँ पे रोजगार देने वाले और रोजगार पाने वाले दोनों एक साथ रहेंगे। 28 जुलाई 2020 को ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए हैं? हिचेम मेचिची को ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। 28 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है? तो हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया गया है, इसका थीम यह था। 28 जुलाई 2020 को रूस ने किस देश के S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो चीन ने लगा दी है। 29 जुलाई 2020 को फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों को किस एयरबेस पर रखा गया? अंबाला एयरबेस में। अभी 3 और आए हाल ही में 4 दिन पहले, अब टोटल 8 विमान याद रखिएगा, अब टोटल 8 विमान है हमारे पास, मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ाया है क्लास में, याद होगा आप सभी को। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर क्या रखा गया? शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया वापस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम वापस बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, महत्वपूर्ण इसको याद रखेंगे। 29 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई 2020 को इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्तावे ट्रावे अवार्ड किसे दिया गया? भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य को दिया गया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी याद रखना है ना। और ये शिक्षा मंत्रालय का जो नाम बदला है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदला शिक्षा मंत्रालय किया, ये भी याद रखना पड़ेगा, महत्वपूर्ण है। 29 जुलाई 2020 को किस खिलाड़ी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 में सीजन का गोल्ड बूट अवार्ड जीता है? जेरेमी वार्डी ने जीता हुआ है। 30 जुलाई 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है, याद रखेंगे। 30 जुलाई 2020 को पेटीएम मनी का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी का नया CEO नियुक्त किया गया है। 30 जुलाई 2020 को किस भारतीय मूल की महिला को UN चीफ ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो अर्चना सोरेंग ने शामिल किया है। 30 जुलाई 2020 को किस विषय के साथ मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया गया है? तो कमिटेड टू द कॉसेस वर्किंग फॉर द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विश्व मानव तस्करी दिवस कब मनाया गया? 30 जुलाई को मनाया गया, थीम ये लिखी हुई है बड़ी हैवी सी, तो ये थीम पढ़नी है आपको, और क्या है, कुछ नहीं है, महत्वपूर्ण याद रखिएगा, हल्के मत लीजिएगा इस प्रश्न को, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको येलो कर दे रहा हूँ, हाईलाइटर चला दे रहा हूँ, इस प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा। 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक की अध्यक्षता किसके माध्यम से हुई? किसने की? तो रूस ने की है, याद रखिएगा, 6वीं बैठक थी, ये भी याद रखिएगा ना, पर्यावरण मंत्रियों की बैठक थी ब्रिक्स के 30 जुलाई को। 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस राजनेता को सिंगापुर की संसद में विपक्ष का नेता नामित किया गया है?
प्रीतम सिंह इंपॉर्टेंट है। एम शिवरामन भी चर्चाओं में थे, इन्हें प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है घरेलू रेटिंग एजेंसी इफ्का का, है ना। 31 जुलाई 2020 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए चुना गया है। अब यहाँ दो क्वेश्चन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहाँ की संसद है, तो बताओगे ब्रिटिश संसद है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वांग ने चुना किसको गया है, प्रेम सिक्का को चुना गया, इंपॉर्टेंट है। 31 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह, गुजरात से जुड़े हुए हैं याद रखना। 31 जुलाई 2020 को किस बीमा कंपनी ने किसानों के लिए बहुत जरूरी नामक अभियान शुरू किया है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने अभियान शुरू किया है। अगर आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड का सदुपयोग करिए, SPDS10 मेरा कोड है, यहाँ आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप मुझसे प्लस क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो सुबह 11:30 बजे आप मुझसे प्लस में जुड़ सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। अगर आप मुझसे फ्री में ऐप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे रात में 9 बजे जुड़ सकते हैं। रात में 9 बजे हम लोग डेली स्पेशल क्लास लेकर के आते हैं, यहाँ पर एक क्विज सीरीज चलती है और क्विज में सबसे शानदार प्रश्न होते हैं। और आप YouTube में अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डेली दोपहर में 2 बजे हम लोग डेली करंट अफेयर करते हैं क्विज के माध्यम से, आप मुझसे जुड़ सकते हैं डेली दोपहर 2 बजे। और आपको अगर मुझसे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड SPDS10 उपयोग करिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरे सब्सक्रिप्शन पर, है ना। तो आप चाहें तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हैं, SPDS10 मेरा कोड है, उपयोग करिए, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अन अकेडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पर। चलिए फिलहाल अभी हम लोगों ने आज ये मेरे ख्याल से अक्टूबर सितंबर अगस्त और जुलाई, इन 4 महीनों करंट अफेयर हम आज कंप्लीट कर रहे हैं वन लाइनर के थ्रू, ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग जून की करंट अफेयर खत्म करेंगे कल जून की करंट अफेयर खत्म हो जाएगी। एज सुन एज पॉसिबल हम कोशिश करेंगे हम आपकी 5 से 6 महीनों करंट अफेयर कंप्लीट करा दें इस छुट्टियों में रिकॉर्डेड वीडियो देख करके। ये एक प्रीमियर वीडियो है और मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, माफ़ी चाहूंगा, पर आपके साथ शायद मौजूद रहूं जिस वक्त आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, प्रीमियर जिस समय लाइव चल रहा होगा उस समय आपके साथ मौजूद रहूंगा। छुट्टियों की वजह से लाइव सेशन अलाउड नहीं थे तो हमें प्रीमियर सेशन देने पड़ रहे हैं, और प्रीमियर सेशन में सबसे शानदार मुझे यही लगा कि इस समय आपके पेपर भी आने वाले और इस वक्त अगर आप इसको कवर कर लेते तो आपको एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि करीबन 10 से 12 नंबर करंट अफेयर आना स्वाभाविक है पेपर में आने वाले में, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप सभी समय से जुड़े। और अभी हमारी पुरानी वीडियोस भी हैं काफ़ी सारी, आप अगर पुरानी वीडियो देखना चाहें तो फास्ट एंड फॉरवर्ड मोशन पे 2x या फिर 1.5x मूवमेंट पे फास्ट एंड फॉरवर्ड मोशन पे देख लें। करीबन आप ये 4 महीने करंट अफेयर मुश्किल से बहुत ज़्यादा लगेगा आपको 2.5 घंटा मैक्सिमम, 2.5 घंटे में आप कम से कम 2-2 बार पढ़ चुके होंगे, क्योंकि एक वीडियो खत्म करने में 15 मिनट लग रहा है, 15 से 20 मिनट लगता है अगर आप 2x स्पीड पे पढ़ोगे तो 2 घंटे में आराम से आप 2 बार पढ़ लोगे वीडियोस को, है ना। इतना टफ नहीं है, आराम से देख के पढ़िए इसको, और रात में सोने से पहले इन वीडियोस का साक्षात करिए, डेली 3-4 बार देखिए, मतलब 3-4 दिन लगातार कंटिन्यूस देखिए रोज रात में सोने से पहले, डाटा भी आपका व्यर्थ नहीं होगा और काम भी बहुत कुछ हो जाएगा इससे, है ना। तो फिलहाल मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो भी मेहनत करके पढ़ाई करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाला समय आप सभी के लिए और बहुत ही शानदार भी हो सकता है, है ना। सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, आप सपनों को सच करने का समय आ गया है और आने वाला समय भी बहुत ही शानदार होगा अगर आप पढ़ाई को जारी रखते हैं, पढ़ाई वैसे पढ़ते जाएंगे जैसे आप पढ़ सकते हैं। फिर से कहना चाहूँगा आपने मेरी पूरे जुलाई करंट अफेयर देख ली, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा कि सर प्लीज़ प्रोवाइड अ PDF, है ना। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा आपको एक गूगल लिंक शेयर कर दूंगा, गूगल लिंक पे PDF शायद अवेलेबल हो जाएगा, मेरा 100% कोशिश रहेगा कि मैं आपको PDF इसके अवेलेबल करा दूँ, मेरी 100% कोशिश रहेगी कि इसके सारे PDF मैं आपको एज सून एज पॉसिबल अवेलेबल करा दूं, और ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये हम लोगों ने जुलाई करंट अफेयर आज कंप्लीट कर लिया है, यानी इस सीरीज में हम लोगों ने 4 महीने की वन लाइनर करंट अफेयर पूरी कंप्लीट कर ली है डेट वाइज। सबसे बड़ा हमारा जो पॉजिटिव पॉइंट है हम डेट वाइज कंप्लीट कर रहे हैं करंट अफेयर, जो एक हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन के साबित हो रहा है। हम लोग एक एक चीज़ को डेट वाइज कंप्लीट कर ले रहे हैं और डेट वाइज से ये फायदा ये है कि हमारे कोई भी करंट अफेयर छूट नहीं रहे हैं मुख्यतः, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम इसको अभी आगे और श्रृंखला बढ़ाएंगे। अभी जून की करंट अफेयर आपके पास आ जाएगी आज ही में, जून की करंट अफेयर देने की पूरी कोशिश रहेगी, और शायद कल आपके पास जून की करंट अफेयर प्रीमियर के रूप में आ जाएगी। उस प्रीमियर को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, थैंक यू जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपसे लगातार कॉन्टेक्ट पे बना रहूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, दिवाली बहुत अच्छी मनी होगी आप सभी की, और कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बताइए पढ़ाई से रिलेटेड के लिए, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, थैंक यू वेरी मच।